भूंगरा गांव में जो आगजनी की घटना हुई थी, जिस घर में शादी थी वहां गैस सिलेंडर फटा और बहुत बड़ी आगजनी की घटना हुई। हम पूरी जानकारी आप लोगों को बताएं। अभी हमारे साथ जिसकी शादी थी दूल्हा सुरेंद्र सिंह, उसके सभी बड़े भाई सांग सिंह हैं और उनके ताऊ जी के बेटे गणपत सिंह दोनों भाई हैं। हालांकि इनके साथ भी इस प्रकार की भगवान ने अनहोनी कर दी, हर जगह दुख है। मैं सांग सिंह से कुछ जानने की कोशिश करूंगा। सांग सिंह, कितना बजे यहाँ घटना है, कितने बजे तक हमें के करता थे उन्हें? अच्छा, क्या क्या इसका कोई निकला था, कोई हवा टाइप या किस टाइप से क्या दिखा था कुछ आपको? नहीं सर, सिर्फ हमारे को आग दिखा कि आग है ये, बस ऐसे ब्लास्ट हुए, तो टायर फटने जैसी आवाज आई थी, बस ये वही आवाज आई। फिर बाद में आग ही आग दिखी, असल आग थी पूरी। सारे रिश्तेदार वगैरह रात फिर सारे रिश्तेदार हमारे पूरे पड़ोसी गांव के मेहमान सारे के सारे अंदर ही थे, बच्चे औरतें सब अंदर थे, सब गैस की लपेट में आ गए, सब उसी टाइम गैस की लपेट में आ गए। और जिस जो बाहर आया है वो सब जला हुआ है। जला हुआ ही आया, और अंदर जो बाहर था उसको अंदर किसी को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि आग की लपेट में किसी को आग की जाने नहीं दिया। ये हालत कितने बजे? 3:30 बजे। बारात तीन उसे पहले थोड़ी देर बारह बाद से रवाना होने वाली थी। अच्छा, हाँ, इवनिंग के बाद में 12 घंटे। कितने सिलेंडर थे वहां पर आपके घर में, कितने सिलेंडर आप लेके आए थे? 4 सिलेंडर थे, जिसमें 2 भट्टी में लगे हुए थे और 2 वहाँ पड़े थे जो बाहर की साइड पड़े थे घर के, हमारा अंदर घुसते ही जस्ट कम से कम भट्टी के और जो लगे हुए थे उनके और उसके 50 फुट की दूरी थी। अब उसमें से पता नहीं कैसे ब्लास्ट हुआ है, कैसे लीकेज, कोई सुबह में कुछ भी नहीं आया गैस के, और तुरंत हमने देखा कौन उसी भटिया टाइम कौन लेके आया था, एक सिलेंडर कौन लेके आया था? सिलेंडर लाने वाले मेरे पिताजी, वो खुद हॉस्पिटल लेके आए थे वो? खुद लेके आए थे, ऐसे जैसे मैं हमारे रिश्तेदारों में से लेके आए जैसे थे। घराना से हाँ तो जैसे आपके भरा हुआ है, जैसे कोई बोला है टंकी देना तो मेरे भरी हुई ले दो, हाँ ऐसे ऐसे मांग करके लेके आए। मांग करके भी सारे के सारे दिखे थे, और बता नहीं आप उसमें बाहर निकले, जस्ट बाहर निकले थे? हम बाहर, आप कहाँ थे उस समय? हम वहाँ थे अंदर ही सामने खड़े थे, कोटली नहीं में? अंदर ही खड़े थे। हाँ मेरे को बाहर दूसरा आदमी बुलाया, नहीं था वो गणपत सिंह, मैं गया उसके पास, हाँ मैं बाहर जैसे बाहर निकला जैसे ही विस्फोट हुआ, हम दोनों का बाहर निकलना हुआ वैसे ही ब्लास्ट आप आपके भी हाथ के कुछ लगाए वहाँ? मैंने वहाँ ये तो हम मैंने मैं वो बाहर वापस के निकल अंदर गया, मैं उस वक्त हुआ क्या, हाँ जितने मैं वहाँ गया किसी को एक को पकड़ के बाहर निकला था तो ब्लास्ट हो गया, तो मैं लोगों को मैंने लोगों को पकड़ कितनी देर लिया। बाद आग पर काबू पा लिया था आप लोगों? कितना समय लगा था? आग जलते वो गैस की जलते आग तो सिर्फ 5 मिनट में सब बुझ गई थी, 5 सेकेंड में, और बाद में वो जो दूसरी आग दूसरी लगी थी सर? बाद में तो बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह वो लगने शुरू हो गए पूरे, वो जो फड़वा बनाया था फड़वा में 2 घंटे तक आग पूरा घर रात को घुसते निकला, फिर 2 घंटा बाद में काफी बड़ा नुकसान भी हुआ। काफी नुकसान, नुकसान तो बहुत हुआ है, लोगों का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है जो साठ मरे से हुए सत्तर हैं, ऐसे आदमी हैं सफेद मार गए। 100 के करीब बंदे, कोई भट्टी मेरे जैसे कोई भट्टी करवा के आया, कोई किसी के यहाँ से जला, किसी के यहाँ से जला, ऐसे कर करके किसी ने यहाँ भट्टी करवाई, किसी ने 100 पर मिल जाके करवाई, ज्यादा सीरियस थे वो जो सब जो। अब इनका क्या कहना है सरकार का, आपने यही सरकार से उम्मीद देखी है जल्दी से जल्दी जो है उनको ठीक करवा। अच्छा, तो आपको ये जब पूरी घटना आपने आंखों में हमें देखी तो हमारे आंखों के सामने आपको भी है, और हमारे गांव के सामने भी है, ऐसी कोई नहीं है कि भी कोई पूरी गांव परिवार जो जले हुए तो उनकी तो आधा ये घंटा हालत भी बाद नहीं में, देख सकते हैं आधा कि घंटा बाद में हो जाते तो कोई ले जाने वाला ही नहीं मिलता, कि नेते की टीम थी, सब सब सारे लोग सारे अंदर आ जाते अंदर हैं, सब लोग अंदर आ जाते। इसमें आधे लोग बाहर भी कोटे में थे तो। उसी टाइम दूल्हा बन के बाहर आने वाला ही था गेस्ट, तो 5-10 मिनट आधा घंटा 15 मिनट में उसकी देरी थी, 15 मिनट में आना जो हम लेते रहते हैं उसके हिसाब से भी ले। तो बार वाले बस गए। बार बार बस गए तो सबको हॉस्पिटल भेज दिया, इतना अच्छा हुआ कि बोला कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोग बस आ गए। चलो ठीक है। चलो, अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार ठीक हम हो तो यही कह गया रहे हैं कि उनका इलाज जल्द से जल्द करवाएं, और अच्छा इलाज करवाएं, और जो घटना हुई है उनको सहयोग करें।
ताकि उनका घर जिसका जिसका बर्बाद हुआ है उनके लिए हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि उनके घर में कुछ संपत्त करें। ठीक है, ये तुले के सगे भाई बड़े सांग सिंह और उनके ताऊ जी के बेटे गणपत सिंह हैं, दोनों खाना खा करके घर से बाहर निकल ही थे, गेट पर ही आए थे, जो हमने आपको घर पहले वीडियो में दिखाया, और इस दरमियान ये पीछे धमाका हो गया। इन्होंने भी कोशिश की अंदर गए बचाने की, लेकिन विस्फोट इतना बड़ा था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। और इस दरमियान करीब करीब जैसा इन्होंने बताया कि 60 से अधिक लोग जो है वो आग की चपेट में आ गए। बहुत ही इस घटना में बहुत दुखद खबर जो कैजुअलिटी की है वो अपने में बहुत बड़ी दुखद है। हम तमाम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि जिनके साथ भगवान ने गलत किया है वो हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन इन पीड़ित परिवारों की मदद करके हम लोग ये मैसेज दे सकते हैं कि कम से कम इनका संबल मिल जाए आर्थिक रूप से, क्योंकि बहुत बड़ी नुकसान की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, इससे बड़ा शायद क्या नुकसान होगा किसी का। तो तमाम दर्शक हमारे जितने भामाशाह समाजसेवी संस्था हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन नेता सब लोग आगे आए और आज इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े।